पूर्णा के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित हैं दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाज़ार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से ये बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो। तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के, उसके लिए बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद, वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको, कीचड़ को, ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। सर, हरियाणा की तरफ से ये कहा गया, आरोप लगा रहे हैं कि यमुना पुल को लेकर के मेंटेनेंस का 5 साल से पैसा नहीं दिया गया। चीफ इंजीनियर का ये बयान है, मैंने अभी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा NTPC देती है। NTPC दिया करती थी तो NTPC भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न NTPC से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होगा। गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये NTPC उनको पैसा देती थी पहले, NTPC, तो वो NTPC ने दिया नहीं दिया, वो उनको उनसे पूछने की। सर, ये बड़ी रोड का फंक्शन हो जाएगा क्योंकि अब पानी नीचे जा चुका है लेकिन रोड्स पर अभी भी पानी है, तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है पंप्स के जरिए? कोशिश कर रहे हैं पंप से निकालने की, कई जगह जल्दी भी हो रहा है, कई जगह थोड़ा समय भी लग रहा है। धीरे धीरे अब जो पानी का स्तर है वो 205.9 तक आ गया है और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था। तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है वैसे वैसे ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कई इलाकों, कुछ इलाकों में पानी बचा है वो भी निकल गया। एक आध दिन और सर, जब मंत्री जायजा ले लीजिए अभी थोड़ा सा, जब मंत्री जायजा लेने जा रहे हैं कुछ जगह बीजेपी कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। मेरे जल्द उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। पीएसी की बैठक है महत्वपूर्ण, जो बेंगलुरु की मीटिंग है उसे लेकर क्या कुछ फैसला आप लोग लेंगे? तो वो पीएसी की मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा।